हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब और आपके यहाँ वेदर कैसा है? हैदराबाद का वेदर तो काफ़ी अच्छा हो गया है। जैसे ही जून स्टार्ट हुआ था, जब से यहाँ बारिश चालू हो गई है और अभी तो मौसम इतना अच्छा रहता है। नहीं तो गर्मी में तो बहुत हालत ख़राब हो रही थी लास्ट मंथ। अभी काफ़ी अच्छा है मौसम, आज भी काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे। और यहाँ पे आज अभी जा रहे हैं राजस्थान, उनका टूर है। सो उनकी पैकिंग करनी है मुझे, उससे पहले मैंने सारे कपड़े जो धोके निकाले थे वो सब यहाँ कोलकाता में रख दूंगी। और आज आपके साथ शेयर करूंगी अपना जयपुर का ब्लॉग। जयपुर गए थे हम लोग, मेरी सासू माँ, मेरी सिस्टर इन लॉ, वो आई थी बिहार से और मैं गई थी हैदराबाद से। और अभी तो पहले ही निकल गए थे टूर के काम से। सो हम लोग सब जाके वहाँ मिले और फिर वहाँ पे हमने अपना जयपुर घूमा, जो भी फेमस जगह थी वहाँ पे। और मम्मी को हम मंदिर भी जाना था, तो इसीलिए हम लोगों ने सबने ऐसे मिल के प्लान बनाया कि घूमने का वहाँ पर जयपुर में। काफ़ी अच्छा रहा वो प्लान। आगे आपके साथ शेयर करूँगी पूरा, जो जो हमने जगह देखी वहाँ पर उसका पूरा आपको साथ टूर शेयर करूँगी। और उससे पहले मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ अपने लंच की। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ काबुली चना, जो वाइट वाला छोला होता है बड़ा वाला, वो बन रहा है ये वाला, देखिए। तो इसमें जो चाय पत्ती डाली जाती है ना पोटली बांध के, उसकी जगह अभी मैंने ये मंगा लिया था, टी स्ट्रेनर होता है ना, ये ग्रीन टी के लिए होता है, वो उसके लिए मैंने मंगाया था। तो इसी में मैं डाल के इसको भी ट्राई कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा डाउट भी था, बट मैंने देखा था किसी को ऐसे यूज़ करते हो, तो मैंने सोचा चलो ट्राई किया जाए। तो इसके अंदर इस तरीके से मैंने डाल के इसको बॉईल कर लिया था और अच्छे से हो गया था ये वैसे। बाद लंच में यही बन रहे काबुली चना और जीरा राइस बनाऊंगी मैं, और काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे छोले। मुझे बहुत पसंद है खाने में छोले, राजमा, बट ये बहुत मैं कम खाती हूँ क्योंकि ये गैस बहुत करता है, इसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिलहाल मैं डाइट भी कर रही हूँ फॉलो, तो ये चीज़ें मैं कम खाती हूँ अभी। पहले नहीं तो मम्मी के यहाँ तो बनता रहता था बहुत, और मैं बहुत खाती भी थी पहले। सो उसके साथ में यहाँ मैंने बनाई है ओट्स की स्मूदी, बनाई थी मैंने उसी दिन सुबह में, और ओट्स की मैंने आइसक्रीम भी बनाई थी। उसकी रेसिपी मैं कभी शेयर करूँगी आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बहुत सिंपल है वैसे, ओट्स को भिगा दो आप, जो सिंपल ओट्स होता है उसको ओवरनाइट आप भिगा के रख देंगे ना दही में या फिर दूध में, दही में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है वैसे, दही में या दूध में उसको भिगा के रख देंगे। उसमें चिया सीड डाल दीजिए, अपने पसंद के सारे ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, या फिर मैंगो कट करके उसमें ग्राइंड कर लीजिए, और बस उतने में आपकी स्मूदी रेडी हो जाती है। उसी स्मूदी को थोड़ा सा थिक पेस्ट बना के आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, तो उसकी आइसक्रीम बन जाती है, काफ़ी अच्छी लगती है। फ्लेवर के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आपके पास कोको पाउडर हो वो डाल सकते हैं, प्रोटीन पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी ये काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि मैंगो का फ्लेवर ऑलरेडी इसमें आ ही जाता है, या फिर केक में डालने के लिए जो फ्लेवर्स आते हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी बनी थी, इसमें मैंने कोई भी शुगर नहीं डाला है ऊपर से, ये सिंपल जो भी इसकी स्वीटनेस है वो उसकी नेचुरल है मैंगो से, और जो भी ड्राई फ्रूट से इसकी स्वीटनेस आती है उतना ही है। आप चाहें तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये। सो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आइसक्रीम मेरी फेवरेट भी है, सो मैंने सोचा ट्राई किया जाए। सो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट जयपुर में। मैं पहुंच गई हूँ अब जयपुर, और आफ्टरनून में मैं पहुंची थी वहाँ पे, और अभी तो जल्दी ही आ गए थे उधर जयपुर, अभी 11 बजे के आसपास आ गए थे। वो राजस्थान में कोई जगह पे गए थे, उनका टूर था, वहाँ से वो जयपुर आए थे 11 बजे के आसपास, और मैं पहुंची थी 2 बजे। 2 बजे मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी, और आफ्टरनून में पहुँच गई थी, इवनिंग में मम्मी और दी आने वाले थे उसी दिन। सो वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे इस्कॉन मंदिर के गेस्ट हाउस में, हम लोगों ने इस बार रूम बुक किए थे हमने, मतलब दीदी मेरे जो जीजाजी हैं, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने ये रूम बुक किए हैं, उन्होंने इसकी मेंबरशिप ले रखी है इस्कॉन टेंपल की। उसमें एक वन टाइम कुछ पेमेंट का रहता है, और फिर जब जहाँ भी इनके जो रहते हैं गेस्ट हाउस, उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है रहने के लिए। और काफ़ी अच्छे रूम थे ये वाला रूम इतना आप देख रहे हो बिखरा हुआ है, वो वाला टाइडी है, तो ये इसको हमने ख़राब कर दिया, हम आके थोड़ा सा इसको रेस्ट कर रहे थे, इसीलिए इसका आपको दिख रहा होगा बेडशीट बिगड़ा हुआ है। तो ये दोनों रूम कनेक्टेड था, बीच में एक डोर था, और बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा था, देख सकते हो आप, यहाँ बालकनी भी दी हुई है एक छोटी सी, और बाहर नेट लगा हुआ था, और सामने की तरफ है ना खेत था, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ से व्यू उसका। तो इस तरीके से ये रूम था, काफ़ी अच्छा था ये रूम, और सस्ते भी मिल जाते हैं आपको रहने के लिए। और जिसने मेंबरशिप ली हो उसको पता होगा, और जिसको नहीं पता उनको बता दूं मैं, जो इस्कॉन टेम्पल होते हैं उनके गेस्ट हाउस जो होते हैं उसमें काफ़ी चीप आपको रूम मिल जाते हैं अगर आपने इसकी मेंबरशिप ले रखी हो तो। और इसमें वन टाइम पेमेंट का रहता है, कुछ भरना रहता है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम जहाँ भी इनके गेस्ट हाउस होते हैं उनको आप
हाफ पेमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दी जिसने मेंबरशिप लिया उसी की फैमिली को अलाउ रहता है, जैसे जीजा जी ने ली थी हमारे, तो जीजा जी की फैमिली को हाफ रेट में मिल जाता है, बट हम लोगों ने नहीं ली थी तो हमको फुल पेमेंट करना था, तो इस तरीके से था इसका जो है। सो यहाँ पे आके मैंने सारा सामान अपना निकाल के यहाँ सजा दिया, देख सकते हो आप, और सब हम लोगों ने एक रूम में अपना ये सब सामान यहाँ पे, जो कबर्ड है पूरा होटल वाला सिस्टम है, सब चीज़ें इसमें, एसी भी लगा हुआ है और सब अच्छा था। और सबसे अच्छी बात ये है कि रूम साफ़ थे, स्मेल नहीं कर रहे थे और क्लीन थे, वो मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ पे। अदरवाइज ऐसे गेस्ट हाउस में आप जाओगे ना तो स्मेल बहुत आती है, और सीलन की और या फिर कपड़ों से भी स्मेल आती रहती है, वो बिल्कुल भी नहीं था, सफाई काफ़ी अच्छी थी। और ये बाहर का भी मैं आपको दे रही हूँ अभी, इस्कॉन टेम्पल का देखिए, और पिक्चर में यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूँगी क्योंकि पूरा तो ये नहीं आएगा। और देखिए इतना धूप हो रहा है ना तो क्लियरली दिखेगा भी नहीं, ये गेस्ट हाउस है और इसके सामने ही जस्ट देखिए अपोजिट साइड में मंदिर बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे तो हम डेली मंदिर के भी दर्शन कर रहे थे सुबह सुबह जाके, और उसके बाद ही हम लोग कहीं जा रहे थे घूमने के लिए, तो काफ़ी अच्छी जगह थी ये देखिए, काफ़ी अच्छी और शांत प्लेस थी ये, देखने में भी बहुत ही सुंदर थी। और बाजू में ही रेस्टोरेंट भी बना हुआ है इन्हीं का, जिसमें आप खाना वगैरह भी खा सकते हैं। और शाम का टाइम हो गया था ये आई थिंक, हाँ हम लोग मम्मी को लेने के लिए जा रहे हैं, मम्मी का फ्लाइट आ गया होगा, सो हम मम्मी को रिसीव करने आ गए हैं एयरपोर्ट पे अभी। मम्मी, दीदी और दीदी के दोनों बच्चे हैं अंशिका और ओजस, वो दोनों भी आएंगे साथ में। तो मम्मी और दी तो आपको ब्लॉग में नहीं दिखेंगी, रीज़न मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि वो कम्फर्टेबल नहीं है, और सबकी प्राइवेसी की मैं टोटल रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो मैं बिल्कुल ही फोर्स नहीं करती हूँ। सो एनीवेज वहाँ पहुँच गए हम, ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे यहाँ पे गए थे इन बच्चों को लेके, ये देखिए ओजस है ये, और वो अंशिका थी रेड टॉप में, तो इनको लेके गए गेम खिलाने के लिए, गेम जोन था ये, जीटी मॉल करके कोई था वहाँ पे आसपास, वहाँ हम लोग गए थे। सो यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किए इन दोनों ने, और इसने तो गिफ्ट भी जीते थे अंशिका ने दो तीन, तो आगे दिखाऊंगी आपको, उसे टॉयज भी जीते थे कोई तो भी गेम में, तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। उसके बाद हमारा उसी दिन का मूवी का भी प्लान था, इसी मॉल में ऊपर थिएटर भी था, तो वहाँ पे हम लोग मूवी भी देखने गए, तो मूवी में काफ़ी टाइम था तो यहीं पे टाइम पास कर रहे थे हम लोग। तो ये वाला गेम बताए थे, देखिए इसमें सॉफ्ट टॉयज रखे हुए थे सारे, इसे पिक करके इधर कुछ बना हुआ उसमें डालना पड़ता है, अगर आपका चला गया तो आप जीत जाते हैं। तो इसमें दो टॉयज जीता था अंशिका ने, देखो अभी एक तो मैंने शूट भी किया है, ये देखिए देखिए दो दो जीते थे। तो ये गेम जोन में एक कार्ड जैसा दिया जाता है आपको, क्रेडिट कार्ड जैसा था समथिंग, और उसमें रिचार्ज करके वो देते हैं, उसको आप हर जगह एक मशीन लगी हुई है उसमें स्कैन करते हैं, तो जितने का वो गेम का चार्ज है वो कट हो जाता है उस कार्ड में से, इस तरीके से स्कैन कर करके आप जो भी गेम खेल रहे हैं उसमें से पेमेंट कटता जाता है आपका, तो आपको रिचार्ज करना पड़ता है। सो ऐसा था ये सिस्टम, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे खेलने के लिए, मैंने भी एक दो गेम खेले बट वो दी ने शूट किया था, दी के मोबाइल में रह गए आई थिंक वो वीडियोज़। और ये देखो जस्ट मज़े कर रही है यहाँ पे, और उसको ज़्यादा राइट्स लेने नहीं दे रही थी अंशु बड़ी वाले, वैसे ही होता है ना, बड़ी सिस्टर जो होती है वो अपना ज़्यादा चलाती है, वो छोटे को सुनती ही नहीं, मैं भी ऐसी थी जब मैं छोटी, तो एनीवे हर घर की कहानी है ये। सो ये दिखा रही थी मैं, देखो आपको ये स्कैनर था वहाँ पे, तो इस तरीके से होता है। उसके बाद में जब थोड़ा सा बाहर निकले तो यहाँ भी अलग अलग गेम थे खेलने के लिए, यहाँ पे भी एम लगाओ आप प्राइज जीतो, तो इस तरीके का था, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत खेला दोनों ने। उसके बाद यहाँ थोड़ा फोटो सेशन किया हमने, क्योंकि टाइम पास कर रहे थे हम इसी मॉल में, क्योंकि मूवी का टाइम होने वाला था। और यहाँ पे आपको अभी नहीं दिख रहे होंगे, अभी और मम्मी थोड़ा लेट आए थे, उन्होंने कहा अभी का काम था उस दिन, एक्चुअली उनकी मीटिंग चल रही थी, तो वो बोले थे मैं लेट आता हूँ थोड़ा, और मम्मी आई नहीं, मम्मी बोली मैं क्या करूँगी इधर जाके, तो मैं बाद में आ जाऊँगी ऐसा, तो हम लोग ही आए थे इधर, बाद में आए थे वो जब मूवी का टाइम होने आया तब आसपास। सो ये है वो मॉल, देख लीजिए थोड़ा बहुत आपको क्लिक शूट किया है मैंने, और हम सब इसी अवतार में दिखेंगे आपको चारों पांचों दिन, स्टिका लगा हुआ क्योंकि डेली हम लोग मंदिर जा रहे थे पास में ही था। तो यहाँ पर अब आ गए हैं, अभी भी काफ़ी टाइम था, मतलब हम लोग आई थिंक 12 बजे के आसपास आ गए थे और मूवी 4:30 बजे की थी, हमको हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। और अंशिका को दिख गया ये नेल आर्ट्स का सेंटर जो भी है पार्लर, सो यहाँ वो गई और उसने अपने नेल्स कराए, काफ़ी अच्छे लग रहे थे उसके नेल्स, उसका बर्थडे भी आने वाला है, तो उसने बोला मम्मी मुझे बर्थडे गिफ्ट में यही चाहिए, मुझे नेल्स करवाने अपने, तो मम्मी ने बोला ठीक है, तो करा के दिया, काफ़ी अच्छे लग रहे थे वो। उसके बाद हमने देखी मूवी थी मुंजिया करके मूवी थी, काफ़ी अच्छी मूवी थी वो, आप देखिएगा, आई डोंट थिंक अभी थिएटर में लगी होगी वो, निकल गई होगी, काफ़ी पुरानी हो गई अभी। सो उसके बाद हमने मूवी देखी, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे बैठ के चिल किया, और मम्मी ने यहाँ कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर की थी, तो वही इसके लिए हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, ये थिएटर का बाहर का एरिया है, तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे क्योंकि हमें इसके बाद जाना था लंच के लिए, तो लंच के लिए हम जो अंशिका है ना तो उसको जाना था
कोरियन रेस्टोरेंट में, उसको कोरियन खाना बहुत पसंद है, कोरियन गाने की, कोरियन मूवीज़ की उसकी बहुत फ़ैन है वो, उसको कोरियन खाना खाना था। तो हम लोग यहाँ कोरियन यहाँ पे आए रेस्टोरेंट में, और ये देख लिए लीजिए सब अतरंगी खाना, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ये सब खाना उसने ऑर्डर किया। हमको तो कुछ पता नहीं था, हमने उसको मेन्यू दे दिया, हमने कहा तुमको जो पसंद है वही सब ऑर्डर कर दो, हम टेस्ट कर लेंगे क्या कैसा है। तो ये सब मंगाया था उसने, मुझे नाम मत पूछिएगा किसका क्या है, बस मैं दिखा देती हूँ आपको, ये एक नूडल्स समझ में आ रहा है बस, और ये सब क्या नाम मुझे नहीं पता है। सो ये सब ऑर्डर किया था, और मैंने तो उस दिन नहीं खाया क्योंकि मैं डाइट पे भी हूँ, तो मैं ये सब नहीं खाया था। तो मैंने नूडल्स ऑर्डर किए थे, वही थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। उसके बाद ये अब आ गया है, चलिए नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे था हमारा सिटी टूर का प्लान था, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आए आमेर फोर्ट जो है, ये आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा, इसमें यहाँ पे शूटिंग भी होती रहती हैं राजस्थान में, काफ़ी जो रॉयल मूवीज़ होती हैं जिन रॉयल शूट लेने होते हैं उन लोगों को, महल के इसके उसके, तो यहाँ पर ही ज़्यादा शूट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने खड़े होकर पिक्चर क्लिक कराए, और काफ़ी अच्छा व्यू था, सब अच्छा था, बस वेदर जो है ना हमारे जाने के टाइम पे इतना अच्छा हो गया था, और जब हम घूम रहे थे तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और ना इतना गर्मी था तो मम्मी तो चल नहीं पा रही थी, और मम्मी को चढ़ना भी नहीं था, तो मम्मी एक जगह बैठ गई थी, मैं और दी और अभी घूम रहे थे ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ अब आ गए, और देखिए मैं अपनी कैप पहन के, और बहुत ही गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। तो मम्मी को एक जगह हम लोगों ने छाँव में बिठा के हम लोग निकल गए घूमने के लिए, तो हम लोगों ने एक गाइड भी हायर किया था वहाँ पर, जो काफ़ी चीप मिल गया हमें, 100 रुपये समथिंग लिया उसने, और उसने अच्छे से पूरा दिखा दिया था हम लोगों को उधर। सो उसने काफ़ी अच्छे से समझाया यहाँ पर, उसकी हिस्ट्री पूरी बताई, और जब ऐसी जगह पर आप जाओ तो उसकी हिस्ट्री ना पता हो तो ऐसा लगता है कि आधा आधा ही घूमे, तो फिर ये तो बनता ही था। तो हम लोगों ने गाइड हायर किया, बट हम लोग ज़्यादा ऊपर तक नहीं गए, जहाँ तक हम जा सकते थे वहीं तक गए, मतलब भी इसको घूमने जाओगे तो 12 किलोमीटर का समथिंग वो एक वॉल बना हुआ है पूरा राउंड में आई थिंक। सो वो घूमने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आई थिंक मुझे तो लगता है एक दिन में आप कवर भी नहीं कर पाओगे, 12 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। सो जितना घूम सकते थे, जितना चल सकते थे उतना गए हम लोग ऊपर तक, फिर वहाँ से रिटर्न आ गए हम लोग, वहाँ की पूरी हिस्ट्री बताई उसने, यहाँ पे राजा थे, यहाँ पे उनका नहाने का कक्ष था, यहाँ पर वो रेस्ट करते थे, यहाँ अपनी रानियों को मिलते थे, पूरा डिटेल में उसने हमें समझाया। और यहाँ पर देखिए ये वाली वॉल की मैं बात कर रही हूँ, ये जो वॉल बनी हुई है ये किले के पूरे सराउंडिंग है, तो इसका ही बता रहा था वो, 12 किलोमीटर के आसपास ये है, गाइड हमें बता रहा था। सो काफ़ी अच्छी जगह है ये, बट मौसम अच्छा होता ना तो और ज़्यादा मज़ा आता, बट जो भी था मैंने मज़ा किया काफ़ी, और इवनिंग में काफ़ी अच्छा हो गया था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 102 ऐसे सब बोर्ड लगे हुए हैं उधर, ये एक्चुअली लगे हुए हैं कि जिन जो फॉरनर्स आते हैं ना उनको यहाँ का लैंग्वेज नहीं आता है ना, उसको ट्रांसलेशन के लिए वो सब लगा हुआ है यहाँ पे कि इस तरीके से है ये सब। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे सुन रहे हैं, वो पूरा समझ रहे हैं, और क्वेश्चन भी कर रहे हैं उनको क्या था कैसे था। ये पीछे दिखा रहा था, यहाँ पर बता रहे थे कि उस राजा ने जो यहाँ पर रहते थे यहाँ पे केसर की खेती ट्राई की थी, बट वो हुई नहीं क्योंकि राजस्थान का वेदर ऐसा नहीं है सूटेबल उसके लिए। सो बट इसीलिए उस जगह का नाम पे उसने केसर गार्डन या समथिंग कुछ रख दिया था। सो यही जगह है, काफ़ी अच्छी दिख रही थी वो भी वहाँ से। और फिर इसके बाद उसने हमें शीश महल भी दिखाया, ये शीश महल है, इतना अच्छे से नहीं दिखाई देगा आपको इसमें, और रियल में काफ़ी सुंदर है ये, और भीड़ आप देख ही सकते हो, इतनी गर्मी में भी इतने सारे लोग आए हुए हैं देखने के लिए, और ठंडी में बता रहे थे वो कि ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो बेस्ट टाइम था मुझे लगता है, बस गर्मी का थोड़ा सा हमें हुआ, बाकी तो मज़ा तो आ रहा था काफ़ी घूमने में। पहुंचने के नेक्स्ट डे हम लोग मंदिर गए थे, वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया है मंदिर में क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी बहुत थी, और मंदिर में मैं अगर भीड़ ज़्यादा हो तो अच्छा भी लगता है क्योंकि फिर लोगों को भी टाइम लगता है उधर वीडियो हम लोग शूट करते रहें, तो अगर खाली मंदिर रहता है ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है तब तो मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ, बट ऐसा लगता है कि ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ पे सब कैमरा निकालना अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि लोग इतना लाइन में खड़े हैं, और उसके लिए हम लोग कैमरा निकाल के सब शूट करते रहें तो उनको भी देर हो जाएगी, और काफ़ी जगहों पे तो मंदिर में अलाव भी नहीं रहता, विच इज़ ऑल्सो ओके, और मुझे लगता है वो भी ठीक है कि नहीं होना चाहिए ऐसा, बट वही हम लोग मेमोरी के लिए चाहते हैं कि थोड़ा बहुत शूट कर लें तो ऐसा होता है, बट मैंने नहीं किया था वहाँ पे क्योंकि हम लोग गए थे खाटू श्याम मंदिर, वहाँ तो आपको पता ही होगा कितनी ज़्यादा भीड़ रहती, बहुत फेमस मंदिर है वहाँ का,
वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो वहाँ हम गए थे तो वहाँ मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद वहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की थी, सो वो भी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कैमरा निकाला ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ गए थे, जो प्ले जोन था उसके नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ गए थे, मतलब थर्ड डे है समझ लीजिए। सो ये है, इसी दिन शाम को दीदी का और मम्मी का रिटर्न था और हम लोग नेक्स्ट डे जाने वाले थे। तो यहाँ हम लोग पहले किला गए, किला के बाद हम लोग गए थे जंतर मंतर, और फिर यहाँ पे काफ़ी सारे फोटो सेशन भी किए हमने। ये जब देख सकते हैं, इसमें मेरी आँख बंद हो रही है, यहाँ पे हवा चल रही थी बहुत इवनिंग में, तो मौसम अच्छा हुआ था जैसे मैंने बताया। और उसके बाद देखिए थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है यहाँ पे। तो जंतर मंतर हम जब पहुँचे तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, बारिश भी हो गई थी, तो ठंडा ठंडा लग रहा था, थोड़ा थोड़ा सा रिलीफ लग रहा था, जितनी गर्मी थी पहले उससे थोड़ा कम लग रहा था, अब अच्छा लग रहा था घूमने में भी। फिर हम लोग लास्ट में मैं और अभी सिर्फ गए यहाँ पे हवा महल, क्योंकि मम्मी और दी को नहीं जाना था, तो मैंने बोला अभी आए हैं तो मैं तो घूम लूँ, फिर बाद में पता नहीं कब आना होगा। दीदी एक्चुअली आती रहती हैं क्योंकि अंशिका यहीं पढ़ती हैं राजस्थान में कहीं, तो दी उसको छोड़ने के लिए लेने के लिए आती रहती हैं, तो दी ने आई थिंक घूमा भी होगा पहले से। तो यहाँ पे मैं और अभी खाली दोनों ही आ गए थे हवा महल देखने के लिए, मम्मी दीदी अंशिका और ओजस गाड़ी में ही थे बैठे हुए। सो यहाँ हमने घूमा और ये मुझे लगा था अंदर से ही पूरा हवा महल दिखता होगा, बट ये अंदर से नहीं दिखता, अंदर से इतना ही पार्ट दिखता है, बाहर की साइड से ही पूरा दिखता है। तो ये मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे जयपुर में, तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे ज़्यादातर आपको इसी तरीके के किले और जो राजा महाराजा के महल हैं वही सब दिखेंगे ज़्यादातर। यहाँ से कुछ कुछ शॉपिंग भी की, यहाँ पे लाइन से शॉप्स बनी हुई है हवा महल के पास में, नंबर दिए हुए हैं शॉप्स को, तो वो आदमी बताया 2000 या 200 समथिंग शॉप्स हैं वहाँ पर, 2000 ही बोला था आई थिंक, तो उतनी शॉप्स लाइन से बनी हुई हैं और उसको नंबर दिए गए हैं 1 2 3 करके। और फिर मैंने अभी को बोला चलो बाहर से भी देखा जाए हवा महल, तो बाहर से हम लोग आए देखने। ये रोड के साइड में ही है और यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करना फिर से एक बड़ा टास्क है, तो हमने यहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर किया फिर से अपना फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, जिसने पैसे लिए अगेन। फिर उसके बाद हो गया यहाँ पे इवनिंग का टाइम, खाना वाना खा के यहाँ पे हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे। रात की ट्रेन थी दीदी की और मम्मी की रिटर्निंग की, फिर उनको हम लोग आए यहाँ छोड़ने के लिए। और फिर यह नेक्स्ट डे आ गया है, अभी नेक्स्ट डे हम लोग आफ्टरनून में अपना आ गए हैदराबाद जाने के लिए एयरपोर्ट। तो हमारी कोई ट्रेन नहीं मिलती है वहाँ से जयपुर से डायरेक्ट हैदराबाद के लिए, तो हमको फ्लाइट से आना पड़ा और दी और मम्मी गए थे ट्रेन से, तो उनको और हमारा पहुंचने का टाइम ऑलमोस्ट सेम ही हो गया था शाम को, बट वो एक दिन पहले निकले थे और हम एक दिन बाद निकले थे, बट घर पहुंचने का टाइम ऑलमोस्ट सेम ही हो गया था हम दोनों का। तो यहाँ देखिए इवनिंग में हम लोग निकले हैं और मौसम आप देख सकते हैं, उस दिन जिस दिन हम लोग निकले थे उस दिन भी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। और यहाँ पे जयपुर को हम लोग बाय करते हुए निकल गए हैं अपने हैदराबाद के लिए। तो इवनिंग की फ़्लाइट थी और शाम का भी व्यू देख लीजिए आप, अंधेरा हो गया, अभी हैदराबाद पहुंचने वाले हैं हम लोग। और नेक्स्ट वीडियो में अपना शेयर करूंगी अपने बर्थडे का फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा आप। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप अपना ध्यान रखें और मेरी वीडियोज़ देखते रहें। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।